काटा 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 बता दो 1700 से 1800 मंजा लगता है। वो चाहे जितना अच्छा मुड्ढा मार रहा होगा, अगर आप पूरा माइंड सेट करके आए हैं तो अगर आप बाहर की खींचेंगे तो आप उनकी पतंग काट देंगे। पत्ता देखिए कितना खूबसूरत है भैया की पतंग है, ये देखिए। सीधा पतंग आपको आसमान में टिके और जब आप पड़ कर खींचे तो पतंग सीधा आपको आना चाहिए, ना दाएं जाए ना बाएं जाए, दबे नहीं, तो सीधा आना चाहिए, वो सच्चा पतंग होता है। खराब पतंग उड़ाएंगे तो दूसरी वाली टीम को भी दिक्कत होगी। ऊपर अरे नहीं नहीं नहीं, तो हम लोग काटते हैं सावड़ सोल गिद्दा। सावड़ सोल गिद्दा क्या बात है, तो वो मार सकते हैं आप। भील के पेच में खतरा ज्यादा है। नीचे खींचेंगे तो जो आपका झोल ऊपर जाएगा तो वो उससे पतंग कटती है। जनाब मैं हूँ पतंगबाज अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। पतंगबाजी के साथ उड़ते उड़ते हम आ गए हैं गंगा बैराज की प्लॉटिंग वाले इलाके में, और प्रोजेक्ट पतंग के तहत जैसे हम आपको नामचीन कारीगरों, नामचीन लड़ाने वालों और नामचीन पतंगों से मिला रहे हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है विनय गुप्ता का। लंबे अरसे से पतंगबाजी में हैं और छत की पतंगबाजी से मैदानी पतंगबाजी में आए हैं। आज उनकी पतंगबाजी की कहानी उन्हीं की जुबानी सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे। सो लेट्स गो। मेरा नाम विनय गुप्ता है, मैं कानपुर का निवासी हूँ। 21 साल हो गए पतंग उड़ाते हुए, मैदानी मेरे छात्र उड़ाते थे, मज़ा आता है पतंग उड़ाने में। देखिए पतंग वाले शौक है, एक तो महंगा शौक है, तो आदमी सोचता है हम ही काटें और हम ही जीतें, ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए आदमी के अंदर कि हम ही काटें। लेकिन पतंग काटने का तरीका ये है कि आप पतंग उड़ाइए अच्छा और सच्चा, फिर उससे काटिए, उससे तारीफ ही है। क्योंकि आप छत में खराब पतंग उड़ा काट दोगे कोई देखने वाले नहीं, कोई समझने नहीं, लेकिन मैदान आपको चार लोग टोकेंगे, सब लोग आपसे कहेंगे पतंग सच्चा उड़ाओ, फिर अगर आप गंदी पतंग उड़ाते हो आपके लिए लोग कमेंट करने लगेंगे, ये नहीं होना चाहिए, जो कि खराब चीज़ है। ये पतंग आप सीधा उड़ाइए, लेकिन सीधा पतंग ये होता है कि सीधा पतंग आपका आसमान में टिके और जब आप पड़ कर खींचे तो पतंग सीधा आपका आना चाहिए, ना दाएं जाए ना बाएं जाए, दबे नहीं, बिल्कुल सीधा आना चाहिए, वो सच्चा पतंग होता है। आपकी जो पतंगबाजी है वो गेम नहीं रह गया, आप जीत हार हो गया। पहले शौक होता था, सब जीतने आते हैं, थोड़ा सा बेमानी से पतंग उड़ाती हैं, अंदर उड़ा दिया, दो साइड उड़ा दी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक पतंगबाजी ऐसा शौक है, इसमें जाना ही जाना है, जब जाने जाने तो फिर लड़ाई किस बात की। तो आज हमें आप क्या सिखाएंगे? आप ये हमारे सीनियर हैं, हम इनके जूनियर हैं, आज क्या सिखाएंगे भैया? नहीं सीखना कुछ नहीं है, देखिए कुछ तो ऐसा होता है कि गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ। कि आप कितना मैदान पर रह जाओ, जो गॉड गिफ्टेड है वो गॉड गिफ्टेड है, कोई किसी कुछ सिखाता नहीं, आदमी खुद ही सीखना पड़ता है। आप देखो समझो कौन कैसे क्या लड़ाता है, उसके बाद ही आप सीख सकते हो, कोई सिखा नहीं सकता। क्योंकि पतंग वाली ऐसी चीज़ है, हाथ पकड़ सिखा नहीं सकता कोई, पीछे खड़े होकर आदमी बताता है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन सीखना समझना आप ही को ही पड़ेगा। काट दिया, क्या बात है, धीरे से चुगाते हैं लोग। 6, 9, 12 जब बहुत ही हवा होती है तो 9। अच्छा मोटी सर्दी है, और हवा जब मतलब दूर पे लड़ता है हाँ। तो 4 तक सर्दी लगती है। अच्छा लंबी की डोर लटके नहीं, झोल से जा रहा है, तो झोल मिलेगा चाप देगा। खान का क्लब है हमारा, ये हमारे कैप्टन साहब हैं प्रेम भाई, परिचय गेम लड़ा महावीर का हमारा, बहुत अच्छा शौक हो रहा शांति से। देखिए जुनून यही होता है कि आप चाहिए इनको खड़े करके लड़ाइए, बैठा के लड़ाइए, लिटा के लड़ाइए या सपनों में लड़ाइए, ये हर जगह लड़ा लेंगे क्योंकि ये आसमान के लड़ाके हैं। देखिए मैदान में लड़ाने का भी वही मजा है जैसे छत पे आता है, जब डोर वो चिरकुट टाइप के जो लोग पकड़ लेते हैं ना सो कॉल्ड चिरकुट, तो वो जो पकड़ लेते हैं मैदान में भी खाली फिरकी लेके आते हैं, भर के झगुआ भर ले जाते हैं, सो ये बड़ा एक चैलेंज है। पतंग जरा दिखा दीजिए हम लोगों को, ये देखिए पत्ता जफर का पतंग, जफर भाई की पतंग जिसका जिक्र कर रहे थे हम लोग, दस्तखत वाली, दस्तखत कहीं और मिलता नहीं है, जफर चाचा की पतंग में मिलता है। ये दामोदर का पतंग है, ये दामोदर पतंग मेकर गांधी मार्ग कजरी सराय मुरादाबाद।
ये बाबू ट्रेडर का पतंग है। अच्छा, क्या बात है। अरे मिर्चा इर्चा सब व्यवस्था करके रखते हैं कि पतंगों को नुकसान ना हो किसी तरह से। ये राजा का पतंग है मेरठ का। अच्छा, क्या मुरादाबाद का है। मुरादाबाद। ये कहाँ सब मुरादाबाद लेने जाते हैं कि मंगवाते हैं? नहीं आते हैं, यहीं सब आ जाते हैं। पत्ता देखिए कितना खूबसूरत है भैया की पतंग है। ये देखिए, आमतौर पर ऐसे पत्ते वाली पतंगे दिखती नहीं है, वो भरी, वो नॉर्मल वो पूंछ वाली या वो जो ढाव वाला जिसको आमतौर पर समझा जाता है ना। लेकिन इसका सफ़र और नज़र बाबू टेलर का अलग ही है। ये असंग पतंग बरेली का गोल काट पतंग। तीन तरह के जो काट और या फर्मे होते हैं, इनका फर्क क्या होता है? किस तरह की पतंगबाजों के लिए कौन सी पतंग बेस्ट होती है, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। लंबा फर्मा जो होता है वो पतंग लड़ता है खींच के, और गोल फर्मा जो होता है वो चौबारा पे लोग लड़ाते हैं ऊपर से। अच्छा, नीचे से चौबारा पे डाल के लड़ाते हैं। अच्छा, और उसके बाद दूर पे लड़ता है। बस बस दो ले लो। क्या बात है, रॉकेट की रफ्तार से, रॉकेट की रफ्तार से। पीएसएलवी पेज पे थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ता है अपना कि हमको क्या करना है। आइन टाइम पे माइंड हमारा गड़बड़ ना हो कि अगर वो खींच रहा है तो हम थोड़ा सा, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि करना कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं माइंड, तो उनकी पतंग कट जाती है। लेकिन आपको अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे अगर आपने पूरा मन बना लिया है कि हमें पतंग रखना है और हमें बाहर का मुड्ढा लेके खींचना है, तो आप अपना माइंड वही सेट रखिए। लेकिन मान लीजिए परिस्थितियाँ विपरीत हो गई और बदलनी पड़ी सिचुएशन, फिर सिचुएशन के हिसाब से बदलिए। लेकिन जो आप पहले से अपना माइंड सेट करके आए हैं, लेकिन आप उसको रखिए वही। क्यों? अगर माइंड डिस्टर्ब होगा, डाइवर्ट होगा आपका, तो आप थोड़ा सा लूज हो जाएंगे। जो आप अगर माइंड सेट करके आए हैं, वो चाहे जितना अच्छा मुड्ढा मार रहा होगा, अगर आप पूरा माइंड सेट करके आए हैं तो अगर आप बाहर की खींचेंगे तो आप उनकी पतंग काट देंगे। छत वालों के लिए तो यहाँ पर ज़्यादातर बेहतर यही है कि अगर ऊपर से वो पतंग लड़ा रहे हैं तो या तो वो आड़ा मुड्ढा खींचे, और डोर भी फेंक सकते हैं, लेकिन बहुत से लड़के डोर नहीं फेंक पाते हैं। जैसे ये पतंग उसके नीचे वाले की है, जी आप ऊपर से पतंग लेके आए हैं। जी हाँ, जी आप ऊपर से पतंग लेके आए हैं, उसने थोड़ा सा और अंदर लिया, आपको पहले पतंग नचाना है थोड़ा सा। अगर वो पहले खींच रहा है तो उसको खींचने दें, आप अपनी पतंग नचाएं, और उसके बाद जब आपको मारना है तो आप चाहे सीधा मार सकते हैं, गद्दा टिपर गिद्दा मार सकते हैं, जो हम लोग काटते हैं सावड़ सोल गिद्दा, सावड़ सोल गिद्दा। जी हाँ, क्या बात है। तो वो मार सकते हैं आप बहुत ही पावर से। और अगर थोड़ा सा आपके पास छत के ऊपर अगर स्पेस है तो आप थोड़ा सा पीछे हट के खींच के भी मार सकते हैं, तो उसमें और ज़्यादा पावर होगा, तो आपका जो झोल होगा वो टाइट हो जाएगा। तो उससे जब आपका झोल टाइट हो जाएगा तो आप बहुत बढ़िया पतंग उससे काटेंगे। और अगर नहीं हो रहा है, अगर आपका पेज दूर नहीं आई, तो आप उसको चक्करों में भी रख सकते हैं, वरना आप झटके भी मार सकते हैं, थपकी थपकी भी मार सकते हैं। और हम लोग अपने हिसाब से बोलते हैं झटके, झटके बोलते हैं आप लोग थपकी को? थपकी को हम लोग झटके बोलते हैं। तो ये थपकी या झटके का जो फ्रीक्वेंसी है या स्पीड है, हल्की रहनी चाहिए, तेज रहनी चाहिए? थपकी की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी लो रहनी चाहिए, धीमे 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 सहला सहला के, सहला सहला के डोर निकालने चाहिए। और तो थपकी वो उसका होता है धुमके का, उस पर ज़्यादा मान है, उस पर डोर नहीं निकलती है, थपकी पे आपको डोर निकालनी है। धुमके में डोर नहीं, देखिए फ़र्क समझिए भैया समझा रहे हैं, धुमके में डोर नहीं निकलती है और थपकी में डोर निकल, पतंग पार भी होती है, काम भी होता है और सामने वाला ढेर भी हो जाता है। नीचे से चार तरीके के पेच होते हैं, एक अंदर खींच सकते हैं आप, एक बाहर खींच सकते हैं आप, एक सीधा खींच सकते हैं आप, एक उल्टा पट बना सकते हैं आप। उल्टा पट कैसे? उल्टा पट जैसे ये मेरी पतंग नीचे से है, मैं ऊपर चढ़ के गया, उसने मेरे ऊपर रखा, उसने मार दिया, डोर चिपकने वाली हुई, मैंने अपना पत पौने को चक्कर दिया और उसके बाद मैंने एकदम नीचे खींच दिया। तो उल्टा पट उसको बोलते हैं, ये सिर्फ खींचने को नहीं बोलते, उल्टा पट उसको बोलते हैं जो आप नीचे खींचेंगे तो जो आपका झोल ऊपर जाएगा तो वो उससे पतंग कटती है। ओके, उसको बोलते हैं उल्टा उल्टा पट।
मतलब आपने सीधे नहीं मारा, उल्टे में उसका गेम कर दिया। उल्टे में उसका गेम कर दिया। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर डोर लगा दो और बस भूल जाओ पतंग है भी नहीं। हाँ, कितना जायज है ये? जायज है, जायज है, लेकिन उसमें आपका खतरा है। आप 102 पतंग काट सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं काट सकते। डोर बेकार हो जाएगी, डोर बेकार हो जाएगी आपकी, या तो उखड़ जाएगी, या तो आपकी टूट जाएगी पतंग, या आप खींचने में मारेंगे तो आपकी टूट जाएगी पतंग, क्योंकि वो डोर हो जाती है, घाव खा जाती है। और जो आप पतंग खींचे काटेंगे उसके आपकी डोर और मजबूत होती है। अच्छा, ये एक और बढ़िया बेहतरीन चीज़ बता रहे हैं कि ढील के पेंच में खतरा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें डोर जख्मी ज़्यादा होती है, उसमें घाव पड़ेंगे, वो घिसेगी, रगड़ेगी, वाइट हो जाएगी। लेकिन खींच में ऐसा नहीं होता, चट टुपट काम करके वो निकल जाती है, क्योंकि खींच में पतंग की डोर ऐसे घिसती है। हाँ, और जो ढील का पेंच होता है उसमें पतंग यूँ जाती है, डोर आपकी ऐसे करके जाएगी। हाँ, हाँ, इस तरफ। हाँ, तो हाँ, जो आपकी डोर का माल जो चढ़ा होगा उसमें। हाँ, वो निकल जाएगा, उसे वो निकल जाएगा। और जो आप ऐसे करके खींचेंगे उसको सीधी, तो वो जो और माल जो होगा वो उसका और कड़क होता जाएगा आपका, और जो आप और मंजा बेहतर होता जाएगा। तो 8 पेंच चाप के आ रहे हैं पवेलियन में वापस भैया। इसमें केवल जाने जाना है, आना ही नहीं, कुछ भी नहीं आना है। आना है, आना बस एक चीज है, सबसे बड़ी वही चीज है, आनंद। काट दिया तो खुशी है, बस आनंद है। ये थी खान क्लाइड क्लब एंड टीम, और ये थे हमारे विनय भैया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और आपने मैदान से लेकर छत वाली पतंगबाजी में कई सारी चीजें, पेंच से लेकर ठुमकी, थपकी, खींच और उससे आगे की चीजें सीखी होंगी। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय रहेगा।